खबर देवरिया जनपद से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम के तहत आज शहर के मारवाड़ी इंटर कॉलेज परिसर में 400 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार की ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने किया। इस दौरान सांसद देवरिया रमापति राम त्रिपाठी, रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने वरवधु को आशीर्वाद प्रदान किया। उन्हें भेंट स्वरूप गृहस्थी के उपकरण और आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस दौरान सांसद त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक वर्ष हजारों गरीब व असहाय जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाता है। कार्यक्रम के माध्यम से इस परिसर में 400 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 35 जोड़े मुस्लिम परिवारों के रहे। विवाह उपरांत सभी जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके भविष्य की कामना की गई और उन्हें विदा किया गया। देवरिया जनपद से त्रिभुवन कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। जो कल हमारे गरीब सोचते थे कि पैसे वाले लोगों के बच्चे तो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ लेंगे, लेकिन हमारे गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उन गरीब के बच्चों के लिए आज चमचमाता हुआ प्राथमिक विद्यालय, उसमें अच्छा ब्रेंच, उसमें सारे टीचर। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से जो 800 परिवार एक हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप, क्या जोड़ों को संदेश देंगे? देखिए, आज सहज रूप से मन आवादित हो रहा है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हमारे देवरिया जनपद में आज 400 जोड़े, 800 परिवार एकजुट ही नहीं हुए हैं, प्रसन्नचित हुए, आह्लादित हुए हैं और ये आज से अपना नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इनका ये दाम्पत्य जीवन सुखी हो, समृद्धशाली हो, सफल हो और उदाहरण बने लोगों के लिए।